निर्धन वर्ग की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सुमंगला कन्या योजना की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित CBSE बोर्ड के स्कूलों के प्राचार्य और प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल के सभी प्राचार्यों और मैनेजर से सुमंगला कन्या योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ स्कूल की छात्राओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे निर्धन वर्ग की बच्चियों को इसका लाभ मिल सके। गौरतलब है कि सुमंगला कन्या योजना में निर्धन वर्ग की बेटियों की पढ़ाई का व्यय सरकार स्वयं वहन करती है। बेटी के जन्म के समय 2,000 रुपए, एक साल के टीकाकरण पूरा करने के उपरांत 1,000 रुपए, पहली कक्षा में दाखिले के समय 2,000 रुपए, छठी कक्षा में प्रवेश के दौरान 2,000 रुपए और 9वीं कक्षा में दाखिले के समय 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास करके या 2 साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 5,000 रुपए सीधे प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, बहुत मेहनत की, बहुत डबल मेहनत की, बहुत टीचर्स एकदम डर के मारे जिनको एंड्रॉइड मोबाइल छोटे छोटे बच्चे पौधे में देयर ओन वीडियो दे यूज टू सेट व्हाटएवर टास्क यू दे देयर डूइंग वेरी प्रॉपर्ली बड़े बच्चे से स्टार्ट किया बड़े बच्चे टू दे नहीं दे वांट टू टेक एडवांटेज हां बात है अगर वो नहीं टीचर पढ़ाएगा तो वो नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ सकते प्रैक्टिकल में जब तक वो टीचर पढ़ाएगा नहीं तब तक आपने ये बताइए इसको इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं होता। दूसरा कौन इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्कूल, इसीलिए किया स्कूल लेवल पे कोई हेल्प किया बच्चों को। हमारे यहाँ तक की मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इतनी स्कीम नहीं होगी जो हमारी सोसाइटी में एक जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम कर दे। जैसे क्या है कि अभी भी आज देख लो इतने सालों के अगर आप इंडिया के इतिहास के बाद में इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे यहाँ कोई भी सामाजिक सुधार नहीं हुए पिछले आज़ादी के बाद, ये तो आप सब लोग इसमें कहीं ना कहीं एग्री करते हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान जरूर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हुए थे, जैसे सती प्रथा को हटाया गया था और भी सारी कई मूवमेंट्स हुए, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसे कोई मूवमेंट नहीं, सारा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से ही है। लिखने में कि कई ऐसी प्रथाएं समाज में हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई सामाजिक सुधार होना चाहिए पूरे इंडिया में। एक है जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव, ये भी बात करो। अब इसको कम करने के लिए, इस जेंडर इक्वालिटी को कम करने के लिए आज भी आप ग्रामीण विलेज में जाओगे तो बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लड़कों को, पढ़ाई में भी लेके रिसोर्सेज में लेके कि यार ये इसको दे दो, और लड़कियां चाहे जितनी मर्जी प्रतिभावान हो, सिंसियर हो, हार्डवर्किंग हो, उसको उतना सपोर्ट नहीं। इवन आप अपने स्कूल्स में भी कहीं ना कहीं अगर उसको पूरा रैशनली क्रिटिकली देखोगे तो आप देख पाओ। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसमें फाइनेंशियली उनको एम्पावर करने की कोशिश की। जब बच्चे पैदा होती है उसके लिए सारी कंडीशंस आपको बताई जाएगी, स्टार्टिंग से पहले ही पैसा उसमें डिपॉजिट उसके अकाउंट में कर दिया, फिर अगर वैक्सीनेशन करा ली तब हो जाएगा, फर्स्ट क्लास में आ गई तब हो जाएगा, फिफ्थ क्लास सिक्स्थ एट्थ तक आ गया, कि 12वीं पास कर ली, 10th कर ली, हर स्टेज पे पैसे डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाए ग्रेजुएशन के बाद तक का है। तो इस योजना का जो इतना बड़ा मतलब जो इनिशिएटिव इतने थॉट प्रोसेस से लिया गया, आप उसका क्यों नहीं हमें लाभ पहुंच पा रहा, वो आंसर हमारे पास। बिकॉज स्कूल्स में आप देख रहे होंगे कि स्कूल्स में जो ये इसका जितना चेतना होनी चाहिए थी उन्हें, अब मैं डीपीओ साहब से जो सरबजीत हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रिवेंशन ऑफिसर, मैं 2-3 रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो स्कीम के बारे में बताएं, एक आप इंश्योर करें, नोट कर लो ये मिनट्स में जाएगा आज, ये इंश्योर करें कि हर स्कूल में इसका बैनर लगे, जो पॉसिबल है ये लोग कर लें, मतलब फ्लेक्सी लगा दी यार, ऐसे फ्लेक्सी में क्या लगेगा कंटेंट के लिए कितने होती थी फ्लेक्सी बनवा दीजिएगा। हाँ
फिर आप अपने स्कूल में बड़े से बड़ा लगा दीजिए, पहले कंटेंट आप दे दीजिए जिसमें सारा लिखा हो, ठीक है। मैं दुखी बहुत करता हूँ जो काम नहीं करते, जैसे आप मैंने सुबह देखा था दो दिन से काम नहीं किया, मैंने 11 बजे रात के 1 बजे तो करके जाओ, मैं बैठे थे मेरे बिठा के मैं सारे जिले में बिठा रखे सारा कल उसकी भी जनकल योजना जिसमें गाँव के नाम देने थे जिसमें एक जी है सर, ताकि हर घर में हम नल लगा दें, एक हफ्ते से बचा रहे हैं जो एजेंसी आई है एजेंसी में बता रही है उसको, मैंने बिठा दिया बैठे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी सीरियस हूँ। आप पहले स्कीम ब्रीफ करिए, मंत्री जी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है कन्या सुमंगला योजना है, और उस योजना में जो गोरखपुर का कल रिव्यू किया गया था हमारे द्वारा, तो उसका जो उसका लाभ है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चियां उनको मिले, इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव किया है। आज हमने सारे CBSE के स्कूल जो गोरखपुर में काम कर रहे हैं उनको बुलाया था, और उनको जो स्पेशली फोकस करने को कहा गया है कि आप जो पहली कक्षा में छात्राएं आ रही हैं या 6वीं में या 9वीं में, तो इन कैटेगरीज में उनके जो फॉर्म मैक्सिमम भरवाइए, और 12वीं की छात्राओं को बता दीजिए कि जब आप अपना ग्रेजुएशन या 2 साल का डिप्लोमा कर लेंगे तो आपको इसमें 5000 सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और इसके सारे क्राइटेरिया फॉर्म जो है उनसे शेयर किए गए। वैसे ये ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, लेकिन उसको कैसे समझना है तो सबको वो स्कूलों को हमने दे दिया। इसके अलावा हमने सारे स्कूलों को इसके प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ी बड़ी जो होर्डिंग लगाने के लिए भी अपने स्कूलों में कहा है, तो ये आज हमारा जो निर्णय हुआ है, और इसको मॉनिटर करते हुए ताकि ये जो इस कैटेगरी में जो ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल छात्र है पार्टिसिपेट भाग ले सके और इस योजना का लाभ ले सके, ये इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, UP बोर्ड के विद्यालय हैं, उसमें बच्चियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ती हैं, उनको योजना की जानकारी नहीं है, उनके लिए सर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेक होल्डर वाइज काम कर रहे हैं। जैसे आज हमने CBSE लिया, क्योंकि CBSE के लोगों ने कल विलिंग कर दिया था कि हम आज ही मीटिंग कर लेंगे, आगे हम लोग यूपी बोर्ड के इस विद्यालय उंधवा तक भी जाएंगे, और BSA ऑफिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, और जो हमारे जो पहली श्रेणी है जिसमें जब बच्ची पैदा होती है और उसके टीकाकरण तक वाली जो श्रेणी है, उसमें हम लोग ANM आशा और आंगनवाड़ी वर्कर का भी एक अलग से मॉनिटरिंग, उनको बुला के सेंसिटाइज करना, फॉर्म देना, सब चीज़ें वो भी कर रहे हैं, कोई पक्ष छोड़ेंगे नहीं, ताकि लाभार्थी तक हम पहुंच जाए और मैक्सिमम फॉर्म इसमें भरा सकें।